हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट व्यू टैब। जिस तरह से इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, फॉर्मूला और रिव्यू टैब पढ़े हैं, उसी तरह से आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट व्यू टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके सारे ऑप्शंस को हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि किस ऑप्शन का क्या यूज होता है। अभी तक हमने जितनी वीडियोस बताई थी इस सीरीज में, उन सभी को आपने देखा होगा। उसी तरह से ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई तरह का काम होता है और कई तरह के एक्सेल व्यूज होते हैं, यानी कि हम डेटा को किस किस तरह से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन इस व्यू टैब के अंदर आपको मिल जाएंगे। इवन आपको इस ऑप्शन के अंदर मैक्रो समझने के लिए भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा बना हुआ है और इस डेटा के ऊपर हम लोग समझने वाले हैं व्यू टैब को। अब व्यू टैब में इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं वर्कबुक व्यूज। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नॉर्मल, ये हमारा एक नॉर्मल मोड रहता है जिसमें हमारा डेटा है, और हमें यहाँ पे दिख रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। मेरे पास एक डेटा है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे है। अब अगर कभी मेरा ये डेटा अगर एक पेज में प्रिंट ना हो, तो मुझे ये देखना है कि अलग अलग पेजेस में अगर ये प्रिंट हो रहा है, तो वो हमारा जो डेटा है वो कहाँ तक बन रहा है। उसके लिए हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए करने के बाद। अब हम यहाँ पे करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो जैसे हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू में करेंगे क्लिक, तो आप देखेंगे हमारा डेटा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें हमारा ये फर्स्ट पेज बन रहा है। अगर मैं थोड़ा और जूम आउट करूँ तो ये फर्स्ट पेज है, ये हमारा सेकंड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज है। इसी को थोड़ा सा मूव डाउन को अगर करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ पेज है। इस तरह जो आपको लाइनिंग शो हो रही होती है, ये दिखा रहा होता है कि हमारा जो पेज है उसकी डिस्टेंस यहाँ तक बन रही है और हमारा एक पेज इतना एरिया कवर अप कर रहा है। अगर आपको इसे नॉर्मल मोड में रखना हो, तो आपको नॉर्मल में क्लिक कर देना है, आपका डेटा फिर से नॉर्मल मोड में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पे आप देखेंगे ये जो लाइनिंग आ रही होती है, ये हमारी पेज ब्रेक लाइन होती है, यानी कि आपका पेज जो है वो कहां तक ब्रेक हो रहा है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखें पेज लेआउट, अब पेज लेआउट ऑप्शन जो होता है, हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा इस तरह से। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट इसे करता हूँ, तो अब देखिए ये दिखा रहा है कि आपका एक पेज जो है वो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। इसी तरह से हमारा जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था होम टाइम में, कि हमारे पास जो टोटल इस नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो इसमें होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 16,384 कॉलम्स। और उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि 1048,576 हमारे पास रोज होती है। तो इतना हमारा जो डेटा होता है ये बन रहा होता है। तो इसी को दिखाने के लिए ये जो डेटा है हमारे पास, ये दिखाता है कि इस तरह से हमारा जो पेज है वो इसके स्प्रेडशीट के अंदर बन रहे होते हैं। तो अभी मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ और फिलहाल इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल मोड। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल मोड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो आपका डेटा है वो वर्क करता है यहाँ पे। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन रहता है हमारे पास कस्टम व्यूज का। अभी जो कस्टम व्यूज ऑप्शन होता है, ये होता है कि हमारे अलग अलग व्यूज क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास एक व्यू ये है, यहाँ पे मैं कुछ ना करके सिंपल कस्टम व्यूज में जाता हूँ और एड में क्लिक करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई डेटा, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव। तो ये माई डेटा करके अभी कुछ बिना कुछ किए यहाँ पे सेव हो गया। दोबारा से हम क्या चाहते हैं कि अगर मैं किसी को डेटा शो करूं, तो मैं सिर्फ उनका नाम शो करना चाहता हूं उसमें, और उनका सिर्फ मैं कोर्स ड्यूरेशन इतना चीज शो करना चाहता हूं, फीस मोबाइल नंबर भी शो नहीं करना चाह रहा। तो मैंने इन दोनों को कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाने के बाद मैंने फीस और मोबाइल को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे, यहाँ से हम जाते हैं हाइड अनहाइड ऑप्शन में, और यहाँ से हम करते हैं हाइड कॉलम्स। तो हमारा वो जो कॉलम है वो यहाँ से हाइड हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ डेटा इतना है। और हम लोग व्यू सेक्शन में जाते हैं, कस्टम व्यूज में क्लिक करते हैं, ऐड में जाते हैं और यहाँ पे दूसरा डेटा लिख देते हैं। जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी और इसे कर देते हैं ओके। तो यानी कि मेरे पास अलग अलग दो सोर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, दो व्यूज मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। कस्टम का मतलब होता है यूजर के थ्रू क्रिएट किया जाना, यानी कि हम इसे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर मुझे पूरा डिस्प्ले करना हो डेटा किसी को, तो मैं माई डेटा पे क्लिक करूंगा, जिससे मुझे पूरा डिस्प्ले हो जाएगा डेटा। और उसी तरह से अगर मैं किसी और को कोई अदर व्यू दिखाना चाहता हूं, तो मैं माई डेटा पे क्लिक करना करके बी पे ही क्लिक करके रखूंगा और शो कर देता हूं। तो उसमें हमें डेटा सिर्फ इतना देखने को मिलेगा और उस पर्सन को हम सिर्फ इतना ही डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इसमें जाते हैं माई डेटा में और इसको डिस्प्ले करके रख लेते हैं। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स और रूलर जैसा। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है रूलर, वो अभी यहाँ पे डिसेबल है। ये इनेबल तब होता है जब हम लोग पेज लेआउट को ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि आपका पेज कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है, ऊपर एक स्केल आ रही है जहाँ पे आप देखेंगे एक कॉलम ये बन रहा है, दूसरा कॉलम ये बन रहा है, तीसरा कॉलम ये बन रहा है। अगर मैं इस रूलर को हटा दूं तो कॉलम तो अभी भी बन रहे हैं,
बट जो इसके ऊपर एक रूलर शो कर रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने डिस्टेंस में हमारा कॉलम ए बन रहा है और इतने डिस्टेंस में बी बन रहा है और इतने डिस्टेंस में सी बन रहा है। अगर आपको इस रूलर को हाइड करना हो तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करेंगे रूलर जो सेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बार, अब फॉर्मूला बार होता है ये सेक्शन जिस जगह पे हमारी फॉर्मूला डिस्प्ले होता है या फिर वैल्यू डिस्प्ले होती है जिसे हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा से यहाँ पे शो होने लग जाता है। फिर इसमें ऑप्शन मिलता है ग्रिड लाइंस का, तो अभी मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस डेटा में ऑलरेडी बॉर्डर अप्लाइड होते हैं। मैं कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, होम पर जाते हैं और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसे बॉर्डर दिए थे अपने डेटा पे। अब जो इसकी जो बैक लाइन होती है, जो इसके पीछे से लाइन होती है, ये इन्हें हम लोग ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ ग्रिड लाइन ऑप्शन को अनचेक करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो प्लेन व्यू में दिखेगा। इस तरह से आपको कोई भी लाइन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। दोबारा अगर हम ग्रिड लाइन में क्लिक करते हैं तो जो एक्सेल की लाइनिंग होती है वो यहाँ दोबारा से डिस्प्ले होने लग जाती है। इस तरह से हम लोग ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर इसमें ऑप्शन आता है हेडिंग्स का, तो हेडिंग जो हमारे पास होती है ये एबीसी में जो हमारे कॉलम हेडिंग होते हैं या 1-3 में जो हमारे पास न्यूमेरिक रो हेडिंग होती है, अगर हमें इन्हें रिमूव करना हो यानी हाइड करना हो तो हम लोग हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे जहां से हमारी जो हेडिंग्स होती है वो यहाँ से पूरी की पूरी यहाँ से रिमूव हो जाती है। दोबारा से हम लोग हेडिंग में क्लिक करेंगे तो कभी भी उन्हें वापस भी ला सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से शो ऑप्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं जूम सेक्शन। अब जूम में क्या है, सिंपल हम लोग यहाँ जूम में क्लिक करते हैं, हमें कितना परसेंट इसको जूम करना है, मुझे देखना 100%। इसे हम करते हैं ओके, तो 100% हमें डेटा इस तरह से देखेगा। अगर मैं जूम पे जाऊं और यहाँ से मैं कम कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टम का भी एक ऑप्शन है, कस्टम में होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल सकते हैं, तो कस्टम में यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया इसमें 39 और ऐसे करता हूँ एंटर, तो ये ऐसे दिखेगा। अगर हम 100% करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब एक होता है जूम टू सिलेक्शन, यानी क्योंकि पर्टिकुलर एरिया ही मुझे जूम करके देखना है। तीन सेक्शन ये है जो हमारे कैंडिडेट के 3, 4, 5, ये कौन से हैं? तो जैसे हम जूम टू सिलेक्शन करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो जूम होकर दिख जाता है जितना एरिया में देखना चाह रहा था। अगर नॉर्मल करना हो फिर से तो आप इसे 100% पे रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू विंडो का। अभी जो विंडो सेक्शन होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है क्योंकि ये हमारे डिस्प्ले करने के ऑप्शन रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी फाइल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि फाइल है बुक 1, अब मुझे इसी फाइल की एक क्लोन फाइल चाहिए कि जो वर्क मैं यहाँ पर करूँ और वही वर्क मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लोन फाइल में भी हो और मुझे इसको ऑफिस वर्क में अलग अलग तरीके से सेव करना हो, सो दैट मैं यहाँ पे आके क्लोन वर्कबुक का यूज कर सकता हूँ। जो ऑप्शन होता है न्यू वर्कबुक या न्यू विंडो, हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जैसे इसी की एक डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो फाइल हमारी बन चुकी हैं, एक है ये और दूसरी है ये। वहीं अगर मैं दोबारा से व्यू सेक्शन में जाता हूँ, मैं इनको अरेंज करता हूँ। अब अरेंज में क्या होता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा टाइल का, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैस्केड जैसे ऑप्शन इसमें है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल के साथ साथ हमारे पास दो फाइल तो ओपन है ही ऑलरेडी, हम एक तीसरी फाइल भी इसमें ओपन करते हैं। फाइल पे जाते हैं और यहाँ आने के बाद मैं एक दूसरी फाइल भी इसमें ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने मार्च 24 को इस तरह से ओपन कर लिया। तो ये फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल के साथ साथ मुझे उसमें काम करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे व्यू सेक्शन पे, हम करेंगे अरेंज ऑल। अगर मैं करता हूँ टाइल, तो टाइल्ड में क्या होगा, हमारे जो फाइल्स होंगे कुछ इस तरह से दिखेंगे हमें। अब यहाँ पे हमें दो ही फाइल्स हो रही है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक अपनी तीसरी फाइल जो हमारी डिस्प्ले नहीं हो रही है हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। फिर हम लोग अरेंज ऑल में जाते हैं। अगर मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल करने में आप देखेंगे तीनों फाइल आपको इस तरह से दिख जाएंगी, एक फाइल ये है, सेकंड फाइल ये है और थर्ड फाइल ये है। उसी तरह से मैं इसको दोबारा से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद अरेंज ऑल पे जाके अगर हम करते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकली हम कुछ इस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं। और एक कैस्केड मोड भी इसमें होता है, कैस्केड मोड में हमारी जो विंडोज होती है वो 1 by 1 हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है, फर्स्ट विंडो एंड सेकंड विंडो एंड थर्ड विंडो। तो अभी मैं इस पे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, अरेंज ऑल करके इसे कर देता हूँ वर्टिकल। तो अभी मैं वर्टिकल करता हूँ, ये मेरी एक फाइल है, इसी की क्लोन फाइल बनी है ये वाली। तो अगर मैं इसमें कोई चेंज करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वो चेंज मिलेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर करण और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो आप देखेंगे जो मैं वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ वही सेम वर्क हमारा यहाँ पर भी हो रहा होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस साधना और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो आप देखेंगे जो मैं वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ वही सेम वर्क हमारा यहाँ पर भी हो रहा होता है। तो ये एक तरीके से क्लोन फाइल होती है हमारी इसी फाइल की। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ मैक्सिमाइज। इसके बाद हमारा इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फ्रिज पिंस का। अभी जो फ्रिज पिंस ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि काम करते करते इसकी नीड भी पड़ती है। तो जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, अगर मैं मूव डाउन करूं नीचे को, स्क्रॉल बार को नीचे करके लिखा हुआ ऐसे, तो ऐसे डेटा हमारा नीचे हो जाएगा, बट आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमने ये क्या लिखा हुआ है या ये किसके नेम है ये किसके नेम है। सो हेडिंग तो हमारे यहाँ से आगे हट जा रही है देखने पर, तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग है वो ऐसी की ऐसी रहे, सेम अगर इधर को जाता हूँ
तो ये मोबाइल नंबर किसका है मुझे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो इधर के कॉलम्स थे वो भी अपनी जगह फिक्स्ड रहे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे फ्रीज पेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं फ्रीज पेंस में जाता हूँ तो मुझे एक पहला ऑप्शन मिलेगा इसमें, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो फर्स्ट कॉलम जो सीरियल नंबर है वो फ्रीज हो चुके हैं। यानी कि मैं अगर राइट को मूव करूं डेटा को तो अपने जो सीरियल नंबर है वो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, बट हमारे जो बाकी के कॉलम्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ जाके कर दूं फ्रीज टॉप रो, तो फ्रीज टॉप रो करने से ये होगा कि जबकि टॉप की रो है येलो वाली, ये अपनी जगह फ्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं नीचे को मूव भी करता हूं तो देखेंगे आप डेटा पूरा मूव हो रहा है बट ये सेक्शन अपनी जगह फिक्स हो चुका है। अगर हम लोग ऐसा ना करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अनफ्रीज करते हैं जैसे पहले था वैसे कर लिया हम लोगों ने इसको, हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, वहां क्लिक करने के बाद फ्रीज पेंस में क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं फ्रीज पेंस ऐड, अब इसमें यह होगा कि एक लाइन आपको दिखेगी यहाँ पर इसने ऐड कर दी है और एक लाइन इसने ऐड कर दी है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पे आके मूव करता हूँ डेटा को नीचे को, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो डेटा है वो मूव नहीं हो रहा है। इसी तरह से मैं राइट साइड को आने चाहता हूँ तो आप देखेंगे ये जो सीरियल नंबर है और जो कैंडिडेट नेम है इस लाइन के बाद वो मूव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले की जो चीजें है वो अपनी जगह फिक्स्ड है। इस तरह से हम लोग फ्रीज पेंस का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको हटाना होता है तो अगेन आप अनफ्रीज ऑप्शन को ही अप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का। अब स्प्लिट में क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार में मैं ऊपर का डेटा देख पाऊँ और एक बार में नीचे का, एक ही स्क्रीन पर मैं देख पाऊँ, बट मैं बीच का डेटा जो है वो हाइड करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आप स्प्लिट पे क्लिक करिए। आपका ये जो ऑप्शन होगा ये क्या करेगा कि आपके डेटा को दो पार्टीशन में ब्रेक कर देगा। आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रोल बार दो मिलेंगे आपको, ऐसे आप मूव अप या मूव डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबसे लास्ट वाला डेटा, तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला डेटा हम लोगों को दिख जाएगा और ये हमारे यहाँ पे सबसे फ्रंट वाला डेटा हो जाएगा। अगर वो बीच में भी लेके आना तो इस तरह से ला सकते हैं। जब आप देख सकते हैं कि एक ही शीट को आप दो पार्टीशन में अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से जो आपका स्प्लिट आया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हाइड करने का। हाइड यानी कि हमारे पास जो एक्सेल की टोटल विंडो खुल रही है वो है तीन, एक है बुक 1-2, एक है बुक 1 और एक है हमारे पास मार्च 24 जो कि मेरी फाइल है ये वाली। अगर मैं यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड करता हूँ, यानी कि मुझे दो डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को तो आप साइड बाय साइड देख ही रहे हैं बट इसके साथ इन दोनों में से कौन सी फाइल को देखना चाहते हैं, तो मैं बुक 1 को देखना चाहूंगा और इसे कर देता हूँ ओके। तो अभी आप देखेंगे आपकी एक जो फाइल है वो ये है और दूसरी जो फाइल है वो है ये वाली, तो यानी कि हम लोग दो डेटा एक साथ देख पा रहे हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं ऊपर के रिबन को हटा देते हैं, हम डेटा को सिर्फ इतना देखते हैं। जब सेम इस समय भी करना चाहूँ तो मैं रिबन को हटा देता हूँ, कंट्रोल F1 से आप रिबन को हटा सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। आप एक चीज इसमें नोटिस करिए कि जब मैं किसी एक स्क्रोल बार को यहाँ से मूव कर रहा हूँ नीचे को, तो दूसरे डेटा में अपने आप मूवमेंट हो रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। पहले हम लोग यहाँ से रिबन को वापस ले आते हैं, तो ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, जो सिंक कर रहा है दोनों फाइल के स्क्रॉलिंग को कि एक स्क्रॉल होगा तो सेकंड ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं होगा ये कि हम सिर्फ एक ही फाइल को स्क्रॉल कर पाएंगे, सेकंड फाइल स्क्रॉल नहीं हो पाएगी। अगर आप इस पर क्लिक रखते हैं तो इससे हमारे दोनों की दोनों फाइल जो होती है वो स्क्रॉल हो जाती है। अब आप देखेंगे कि एक विंडो का साइज थोड़ा सा बड़ा है और एक विंडो का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो अगर मैं इनको दोबारा से इक्वल साइज में लाना चाहूंगा तो मुझे करना होगा रीसेट विंडो पोजिशन। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो अब इसका साइज और इसका साइज दोनों इक्वल हो चुके हैं। अगर आप इस ऑप्शन को भी रिमूव करना चाहते हैं, नॉर्मल मोड में आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करना है दोबारा से और ये फिर से फाइल नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया हो। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्विच विंडोज का। स्विच विंडो क्या करता है कि हमारे पास जितनी भी विंडोज खुली हुई होती है हमें अलाउ करता है कि हम उनमें स्विच कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब कई बार ये काम आता है जब हम लोग मल्टीपल वर्कबुक वाले ऑप्शंस अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी ऐसे फॉर्मुलास का यूज कर रहे होते हैं जिनमें मल्टीपल वर्कबुक से डेटा को उठाना होता है, जैसे वी लुकअप ऑन मल्टीपल वर्कबुक, एच लुकअप ऑन मल्टीपल वर्कबुक, तो ये उस टाइम पर काम आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू शीट लेता हूँ और इस न्यू शीट पे एक वी लुकअप आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेम और मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स। इतना लिखने के बाद मुझे यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कोर्स पता करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिचा आनंद, मुझे पता करना है कि इस स्टूडेंट का कौन सा कोर्स है। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बुक 2 में, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बुक 1.2 में, बट हमारा ये जो डेटा है ना वो है हमारे पास इस जगह पे जो कि है मार्च 2024, रिचा आनंद का इसमें डेटा बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे उसको निकालने वाला हूँ वी लुकअप की मदद से। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप में हमें रिचा आनंद तो जो है वो लुकअप वैल्यू की तरह चाहिए। अब जो टेबल एरे होता है वो टेबल एरे आएगा सेकंड शीट से, यानी सेकंड वर्कबुक से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्च वाले पे, यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा करेंगे,
जहां पे हम लोगों को कॉलम नंबर पता करना है रिचा आनंद के लिए। तो हम 1 2 3 4 5 तो हम 5 यहाँ पे डाल देंगे और कॉमा करके हम इसमें 0 डाल देंगे जो कि वीलुकअप का फॉर्मूला होता है, और हम एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिचा आनंद का आंसर निकल गया, कोस DFA। तो इस तरह से हम लोग एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ हो। अब इसी के साथ हम आज का आखिरी ऑप्शन समझते हैं, मैक्रोस। वैसे तो मैंने मैक्रोस के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपको चैनल में मिल जाएंगी। इनके ऊपर हम लोगों ने लाइव प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाए हुए हैं कि किस तरह से इसके प्रैक्टिकल काम करते हैं और कितना यूजफुल ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फिर भी मैं आपको अभी इसके बारे में समझाने वाला हूं कि किस किस तरह से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये डेटा है, मैं इसी को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अपने मैक्रोस को स्टार्ट करेंगे। मैक्रो एक तरीके से एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमारे माउस के स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड करता है कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और उन स्टेप्स को आगे जाके हमें रिपीट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं मैक्रोस पे जाऊं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमको रिकॉर्ड मैक्रो का। रिकॉर्ड मैक्रो में आप मैक्रो का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रैक्टिस। जो भी आप कभी भी काम कर रहे होते हैं तो आप उसका मैक्रो में नाम लिख सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने ये वाला मैक्रो किस लिए बनाया था। आप मैक्रो को यूज करने के लिए शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, और शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बनानी है शिफ्ट के साथ, क्योंकि कंट्रोल के साथ ऑलरेडी हमारी शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ शिफ्ट ए, जैसे आपको पता है कंट्रोल ए से ऑलरेडी सेलेक्ट ऑल होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट ए करने पर अब ये मैक्रो रन करेगा। इसे हम कर देते हैं ओके। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ओके करेंगे, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इस सेक्शन में भी दिखाता है ये मैक्रो इज रिकॉर्डिंग। तो हम लोग इसमें क्या काम करने वाले हैं, अभी मैं आपको सिंपल सा समझाने वाला हूँ। मैंने जैसे इस डेटा को सिलेक्ट किया, हम होम में गए, हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको बॉर्डर्स दे दिया, हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे आके बोल्ड कर दिया, मैंने यहाँ पे आके कलर अप्लाई कर दिया हेडिंग्स में जो कि है ब्लू, और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे व्हाइट। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इसको रखेंगे, और इस जगह पे मैं ये कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें इसमें जो भी कलर देना है यहाँ से कलर को चूज कर लेंगे, और इस तरह से हमारा कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि अभी भी मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है आपका जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आपको मैक्रो को स्टॉप करना है तो आपको व्यू सेक्शन में जाना है, मैक्रो में जाना है, और यहाँ से कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर कभी भी अब मुझे उस मैक्रो को इसमें रन करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम व्यू मैक्रोस में जाते हैं और यहाँ से अपने प्रैक्टिस मैक्रो को रन कर सकते हैं, या रन पे क्लिक करके, या एडिट कर सकते हैं उसको, या डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा को कॉपी करके रखा हुआ था, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और एक न्यू वर्कशीट पे यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया पेस्ट। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब जो हमने मैक्रो बनाया है शीट 2 पे, मैं इसको रन करना चाहता हूँ शीट 3 पे। तो रन करने के लिए हमें इस पोर्शन में क्लिक करना है, व्यू पे आना है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नाम का एक मैक्रो दिख जाएगा, आपको रन करना हो तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं। आपको अपने स्टेप्स की इन्फो भी देखनी होती है तो यहाँ से वो देख सकते हैं। आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको रन करना हो शॉर्टकट में, जो कि हम लोगों ने बनाई थी शॉर्टकट की थी हमारी कंट्रोल शिफ्ट ए। तो जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो शीट 2 में हम लोगों ने जो भी मैक्रो रिकॉर्ड किया था अब वही मैक्रो हमारा इस जगह पे ऑटोमेटिकली रन हो चुका है। तो मैक्रो के एडवांस लेवल में कई तरह के यूज होते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने काम को इसके हेल्प से इजी बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल था मैक्रो का, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के रिगार्डिंग चैनल पे और सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनके प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि किस तरह से मैक्रो का ऑप्शन भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो आई होप गाइस आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आए होंगे कि व्यूज के जो सारे ऑप्शन होते हैं व्यूज टैब में, ये किस तरह से आपके काम को इजी बना सकते हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने सारे ऑप्शन समझे होंगे। फिर भी अगर वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है, या फिर अभी तक हम लोगों ने जितने टैब समझे इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, इनमें से कोई भी आपको कहीं पर भी डाउट लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।